नमस्कार, मित्र वार्ता में आपका स्वागत है। ललित मोदी मुद्दे ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा रखी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी क्या साबित करती है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बहुत मुखर हैं, एक वक्ता हैं, और उन्होंने बल्कि लगातार हर मंच पर हर तरीके से बात कहकर जवाब देने की कोशिश की है। उन्होंने उन अरविंद केजरीवाल तक से सीधी जबानी लड़ाई लड़ने का उपक्रम किया दिल्ली चुनाव के दौरान। जिन अरविंद केजरीवाल का उन्होंने बहुत छोटा मोटा जिक्र लोकसभा चुनावों के दौरान किया था, उनको AK-47 कहा था, लेकिन जब दिल्ली चुनावों की बारी आई तो बहुत समय तक वो चुप्पी साधे रहे, लेकिन बाद में सीधा सीधा हमला करना शुरू कर दिया। तो इस तरह सीधे सामने आकर अपनी बात कहने की पहचान रखने वाले नरेंद्र मोदी जी अगर इतने बड़े मुद्दे पर विवाद होने के बाद चुप हैं तो ये खलती है चुप्पी। इसका जो भी कारण हो, जिसका शायद जिक्र जब भी बोलेंगे तब करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी हो, उनको अपनी तरफ से कोई ना कोई बात इस मुद्दे पर रखनी चाहिए। अब वैसे संसद का मानसून सत्र जुलाई में चालू होगा, उस वक्त भी हंगामा होगा, शायद वो तब बोलें, बेहतर है कि उसके पहले बोलें। देखिए कि जो मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उनकी सबसे ज्यादा आलोचना तो इसी बात के लिए होती रही कि बड़े बड़े घोटाले होते रहे। कोयला घोटाला हो रहा है, 2G स्कैम हो रहा है, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला हो रहा है, और आप चुपचाप बैठे हैं। तो उनपे सबसे बड़ा दोष तो इसी बात का लगा, और इसीलिए कहा गया कि चूंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष की कठपुतली है और इसीलिए उनके पास सीधे कोई तो मोदी जी के मामले में ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने तो बल्कि साबित किया कि सारे अधिकार मेरे पास हैं, सारे निर्णय मैं लेता हूं, सारे मोर्चों पर आगे खुद मैं खड़ा रहता हूं। तो अगर आप अच्छे समय पर मोर्चे पर आगे खड़े रहते तो बुरे समय पर भी मोर्चे पे आगे खड़े रहकर नेतृत्व करना आपकी जिम्मेदारी है। और इससे पहले कि ये भारतीय जनता पार्टी की छवि को और ज्यादा खराब करे, अमित शाह तो एक दो बार इस पे बयान दे चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को जरूरी है कि बयान दें ये मामला सही है या गलत है। वसुंधरा राजे पर, सुषमा स्वराज पर, स्मृति ईरानी पर, पंकजा मुंडे पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही है या गलत, ये अपने आप में एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तो निश्चित तौर पर उसको सही नहीं माना जाएगा। इस पूरे मामले में भाजपा के अंदर भी कहीं ना कहीं लड़ाई दिख रही है। वो तो निश्चित तौर पे है। इस मुद्दे पर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज खासतौर पर ये दो नाम ऐसे हैं जिनको माना जाता रहा है कि वो मोदी धड़े के बहुत करीब नहीं हैं और नरेंद्र मोदी जी से बहुत अच्छे संपर्क संबंध उनके शुरू से नहीं रहे हैं। और ऐसे में जब इन्हीं दो नामों का इस तरीके से सामने आने का मसला हुआ तो ये सोचा गया था कि कहीं ये भाजपा की अंदरूनी राजनीति का परिणाम तो नहीं है। शुरू में जब ये सबसे पहले ललित मोदी कांड उजागर हुआ था तब ये कहा भी गया था कि भारतीय जनता पार्टी के ही किसी, क्योंकि आस्तीन का सांप की संज्ञा दी गई थी कि किसी आस्तीन के सांप की करतूत है जिसने ये कागज सामने लाकर इस घोटाले को उजागर करने की कोशिश की है। अब ये घोटाला है या कांड है या महज दो आपसी लोगों के बड़े स्तर पर जो संबंध हैं उनके दुरुपयोग का मामला है, ये तो वक्त के साथ सामने आएगा, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी की कुछ न कुछ अंदरूनी अंतर्कलह है, ऐसा संदेश जनता में जाता है। लेकिन इस मामले में अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती दिख रही है। वो दिक्कत तो यही है कि हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में हमाम में सब नंगे हैं, और जैसे हिंदुस्तान की जनता लोगों पर भरोसा इसलिए करती है कि जब वो कहते हैं कि हम अलग हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे 2014 के चुनाव अभियान के दौरान जो सबसे सशक्त सबसे मजबूत संदेश दिया था वो ये दिया था कि कांग्रेस ने पिछले 40 सालों में देश का बंटाधार कर दिया है, भ्रष्टाचार से देश की जड़ें खोखली हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को जब भी शासन में एक दो बार आने का मौका भी मिला है तो वो पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ पाई, और जब भी आएगी तो एक अलग तरह की राजनीति से देश की छवि को उजला कर देगी, जो कि वो कहते भी रहे करते भी रहे। मोदी जी ने इतने सारे देशों की यात्रा की, भारत की छवि को सतत चमकाने की कोशिश की, उन्होंने ये तक कहा कि लोग भारतीय होने पर खुद को अपमानित सा महसूस करते थे, जिसे कि मैं मानता हूं कि एक विवादित बयान था, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था शायद, लेकिन जब वो ये कहते हैं तो क्या इस तरह के घोटालों को लेकर, इस तरह के विवादों को लेकर, इस तरह की जो पूरी चर्चा दो तीन बड़े नेताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के चल रही है, आपके इतने सीनियर मिनिस्टर हैं, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हैं, मानव संसाधन मंत्री जो है स्मृति ईरानी उनको लेकर विवाद है, राजस्थान जैसे इतने बड़े बहुमत वाले आपके राज्य की जो मुख्यमंत्री वो विवादों में हैं, और अब पंकजा मुंडे को लेकर भी एक विवाद सामने आ गया है। तो जब इतनी सारे विवाद एक साथ चल रहे हो तो क्या उससे आपकी छवि दुनिया में खराब नहीं होगी? तो उस वक्त आपको क्या बोलना जरूरी नहीं है? जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि लाख सवालों से बेहतर है एक मेरी चुप्पी, तो मुझे लगता है कि अगर उसी तरह का आवरण प्रधानमंत्री भी ओढ़ लेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो जयदीप जी, क्या सरकार की छवि बचाने के लिए क्या वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज के इस्तीफे होना चाहिए?
देखिए सवाल यह है कि अगर वो गलत नहीं है तो सरकार स्पष्ट रूप से कहे कि हमने इनके इस्तीफे इसलिए नहीं मांगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मामला है तो चूंकि वसुंधरा राजे का मामला पार्टी से सीधे जुड़ता है और स्मृति ईरानी का और सुषमा स्वराज जी का मामला सीधे सीधे सरकार से जुड़ता है केंद्र की, तो सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को यह बताना होगा कि अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों ये मानते हैं कि इन लोगों का कोई दोष नहीं। जो प्रवक्ता टेलीविजन चैनलों की बहस में भारतीय जनता पार्टी का बचाव इस वक्त कर रहे हैं उनके तर्क कमजोर दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का दोनों का बचाव नहीं कर पा रहे हैं और ये बहस इतनी लंबी चल गई है कि कहीं ना कहीं सरकार की इसमें छिछलदार हुई है। और मुझे लगता है कि अगर इस मामले पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उसका कारण बताना होगा और कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर वो होती हुई दिखाई देनी चाहिए। आप दोनों में से कोई एक तो स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, या तो आप ये तय कर रहे हैं कि इन दोनों की कोई गलती नहीं है, इन तीनों की कोई गलती नहीं है, हम इन पर कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं, तो आप बताइए क्यों नहीं लेने वाले हैं और आप क्यों मानते हैं कि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जब सारे सबूत सारे जो खबरें आ रही हैं अखबार की और टेलीविजन की वो ये चीख चीख कर कह रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो या तो आप ये साबित कीजिए कि गलत नहीं हुआ है, और अगर आप वो साबित नहीं कर पा रहे हैं तो तब तक अपने नैतिक दायित्व को निभाते हुए उनको अपने पद से अलग कीजिए। वसुंधरा के मामले में तो यह भी सुनने में आ रहा है कि सरकार और संगठन डरे हुए हैं कहीं बगावत न कर देने। ये एक सवाल है और राजनीति में सब तरह से करवटें चीजें लेती हैं। वसुंधरा राजे की जिस तरह की पकड़ है राजस्थान में, जिस तरह का भारी बहुमत उनको मिला, हालांकि उसमें मोदी लहर का भी बड़ा योगदान है, और राजस्थान की राजनीति ने एक तरह से लगातार कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का पलटा किया है, लेकिन इस बार बहुत अच्छे से वसुंधरा राजे की सरकार को जो बहुमत मिला है उस बहुमत को देखते हुए और उनकी जो वहां पर उपस्थिति है, मजबूत पकड़ है, उसको देखते हुए शायद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं रिस्क लेने से डर रही होगी। लेकिन अगर वसुंधरा राजे ने गलत किया है, जो कागज उन्होंने दस्तखत करके दिए हैं वो कानूनी तौर पर अगर गलत है, नैतिक स्तर पर भी गलत है, तो भी फिर उनको पद पर रहने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की छवि बचाने के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। यकीन ये महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे का नाम भी एक घोटाले में आया है, जबकि वे तो अभी युवा है। जी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, खास तौर पे गोपीनाथ मुंडे जी की जो छवि रही है, एक बहुत साफ सुथरी छवि, एक पिछड़ों के महाराष्ट्र के ग्रामीणों के दलितों के नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि कायम की और लगातार काम किया, और जिस तरह से एक दुखद हादसे में एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई तो पूरी की पूरी सहानुभूति भी मुंडे परिवार के साथ रही और उसी के लिए पंकजा मुंडे चुनाव जीत कर भी आई और मंत्री भी बनी। अब एक और बात है कि पंकजा मुंडे या इनकी तरह के और नेता जो भारतीय किरण रिजिजू या राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये उस पंक्ति के नेता हैं जो युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन नेताओं को देख के एक बदलाव की आस जगती है कि हिंदुस्तान में एक नई युवा राजनीति भी जन्म ले रही है, जो लोग घोटालों से, खराब राजनीति से और परंपरागत राजनीति से अलग हटकर देश को कोई नई दिशा देंगे। तो इस तरह से जब युवा नेताओं का नाम, मंत्रियों का नाम घोटालों में आता है तो ज्यादा दुख होता है। सचमुच उन्होंने घोटाला, अभी उनकी मैंने एक टीवी क्लिप देखी है जहां पर वो लंदन में है और उन्होंने लंदन से इस घोटाले को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये जितने भी ऑर्डर होने थे, वर्क ऑर्डर, जिसमें वो पानी के फिल्टरों में घोटाला होने की और उनकी क्वालिटी खराब होने की बात सामने आई है, तो उनका कहना यह है कि वो पहले से ऑर्डर हो चुके थे वर्क परमिट, उन्होंने केवल उस पर दस्तखत किए हैं, और केवल दस्तखत करने भर से वो अपराधी नहीं हो जाती, उन्होंने दस्तखत करके जिसे काम दिया है अगर उस व्यक्ति ने गलत चीज सप्लाई की है तो उसकी पूरी जांच करेंगी और दोषी को वो है कठोर सजा भी देंगी। अगर वो अपने स्टैंड को कायम रखती है, और निश्चित तौर पर जिन्होंने इस घोटाले में अपने हाथ खाले किए हैं, जिन्होंने गलत चीजें आंगनवाड़ी तक पहुंचाई हैं, उनको सजा देती है, तो मुझे लगता है फिर उनकी छवि उजली हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दुखद पहलू यह है, क्योंकि शिवसेना ने भी कहा है कि फडणवीस जी को इस पर एक कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अगर वो शामिल नहीं है तो उनके साफ तौर पर यह साबित करना होगा पंकजा मुंडे को कि वो शामिल नहीं है, क्योंकि इस तरह के युवा नेता देश में बदलाव की राजनीति की एक बड़ी उम्मीद की किरण है, और उन पर अगर उनके दामन पर कोई दाग आता है तो फिर हमें लगता है कि आगे भी इस देश की राजनीति क्या इसी तरीके से चलती रहेगी। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे भाजपा की धूमिल होती छवि की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।